दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम किचन में बोले जाने वाले आम बोलचाल के 30 इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो बड़े शान से डिसलाइक ज़रूर करना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हें आटा छानना आता है? आप इसे कहेंगे डू यू नो हाउ टू सिफ्ट द फ्लो। डू यू नो हाउ टू सिफ्ट द फ्लो। सिफ्ट द फ्लो का मतलब होता है आटा छानना। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने आटा छान लिया है? आप इसे कहेंगे हैव यू सिफ्टेड द फ्लो। हैव यू सिफ्टेड द फ्लो। अगला सेंटेंस है, आटा छानने में इतना टाइम क्यों ले रही हो? आप इसे कहेंगे व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम इन सिफ्टिंग द फ्लो। Why are you taking so much time in sifting the flour? अगला सेंटेंस है, क्या तुमने आटा छाने बिना रोटियां बनाई हैं? आप इसे कहेंगे Have you prepared the chapatis without sifting the flour? Have you prepared the chapatis without sifting the flour? अगला सेंटेंस है, आटा अच्छे से छानना चाहिए। आप इसे कहेंगे The flour should be sifted properly. The flour should be sifted properly. आज का अगला सेंटेंस है, उसे आटा छानने दो। आप इसे कहेंगे Let her sift the flour. Let her sift the flour. आज का अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, मेरी चाय दो बार छान देना। आप इसे कहेंगे Strain my tea twice. Strain my tea twice. अगला सेंटेंस है, हर किसी को चाय छानकर पीनी चाहिए। इसे कहेंगे Everyone should take tea after straining. Everyone should take tea after straining. अगला सेंटेंस है, जब मैं उससे मिला वह चाय छान रही थी। आप इसे कहेंगे When I met her, she was straining the tea. When I met her, she was straining the tea. अगला सेंटेंस है, छनी हुई चाय सेहत के लिए लाभदायक होती है। इसे कहेंगे Strained tea is beneficial to health. Strained tea is beneficial to health. अगला सेंटेंस है, मुझे आटा गूंथना नहीं आता। इसे कहेंगे I don't know how to knead the dough. I don't know how to knead the dough. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें आटा गूंथना आता है? इसे कहेंगे Do you know how to knead the dough? Do you know how to knead the dough? नेक्स्ट सेंटेंस है, आटा गूंथना सबके बस की बात नहीं है। आप इसे कहेंगे Kneading the dough is not everyone's cup of tea. Kneading the dough is not everyone's cup of tea. अगला सेंटेंस है, मेरी माँ से बढ़िया कोई भी आटा गूंथ नहीं सकता। आप इसे कहेंगे Nobody can knead the dough better than my mother. Nobody can knead the dough better than my mother. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ ने मुझे आटा गूंथना सिखाया। आप इसे कहेंगे My mother taught me how to knead the dough. My mother taught me how to knead the dough. अगला सेंटेंस है, क्या तुम छोटी छोटी लोइयां बना सकती हो? आप इसे कहेंगे कैन यू रोल द डो इन टू स्मॉल बॉल्स। कैन यू रोल द डो इन टू स्मॉल बॉल्स। अगला सेंटेंस है, छोटी छोटी लोइयां बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप इसे कहेंगे आई एंजॉय अ लॉट इन रोलिंग द डो इन टू स्मॉल बॉल्स। आई एंजॉय अ लॉट इन रोलिंग द डो इन टू स्मॉल बॉल्स। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे लोइयां बनाना सिखा सकते हो? आप इसे कहेंगे कैन यू टीच मी हाउ टू रोल द डो। कैन यू टीच मी हाउ टू रोल द डो। अगला सेंटेंस है, शादी से पहले रोटियां बेलना सीख लो। इसे कहेंगे लर्न हाउ टू रोल द लॉव्स बिफोर मैरिज। लर्न हाउ टू रोल द लॉव्स बिफोर मैरिज। लॉव्स का मतलब होता है रोटियां। अगला सेंटेंस है, फटाफट रोटियां बेलो। आप इसे कहेंगे
रोल आउट द लॉज स्पीडली, रोल आउट द लॉज स्पीडली। अगला सेंटेंस है, वह बहुत अच्छी रोटियां बेला करती थी। आप इसे कहेंगे सी यूज टू रोल आउट द लॉज गुडली, सी यूज टू रोल आउट द लॉज गुडली। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम भी रोटियां बेल सकती थी। इसे कहेंगे कुड यू ऑल्सो रोल आउट द लॉज, कुड यू ऑल्सो रोल आउट द लॉज। अगला सेंटेंस है, मैं रोटियां बेल रही हूं। इसे कहेंगे आई एम रोलिंग आउट द लॉज, आई एम रोलिंग आउट द लॉज। अगला सेंटेंस है, क्या तुम्हें रोटियां सेकनी भी आती हैं। इसे कहेंगे डू यू ऑल्सो नो हाउ टू बेक द लॉज, डू यू ऑल्सो नो हाउ टू बेक द लॉज। बेक का मतलब होता है सेकना। अगला सेंटेंस है, मैं रोटियां भी सेक सकती हूँ। आप इसे कहेंगे आई कैन ऑल्सो बेक द लॉज, आई कैन ऑल्सो बेक द लॉज। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, क्या तुम रोटियां सेक रही हो। इसे कहेंगे आर यू बेकिंग द लॉज, आर यू बेकिंग द लॉज। अगला सेंटेंस है, तुमने रोटियां ज़्यादा सेक दी हैं। इसे कहेंगे यू हैव ओवर बेक्ड द लॉज, यू हैव ओवर बेक्ड द लॉज। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, कृपया रोटी पलट दो। आप इसे कहेंगे प्लीज टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, प्लीज टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने रोटी नहीं पलटी। इसे कहेंगे डिंट यू टर्न द चपाती अपसाइड डाउन, डिंट यू टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। और आज का लास्ट सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम्हें रोटी टाइम से पलटनी चाहिए। आप इसे कहेंगे यू शुड टर्न द चपाती अपसाइड डाउन टाइमली, यू शुड टर्न द चपाती अपसाइड डाउन टाइमली। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो 1% तो लाइक ज़रूर कर देना। और लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला, तो आप इस वीडियो को बड़े शान से डिसलाइक ज़रूर करना। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।